रिपोर्ट अड्डू में देसी गंदम के आधा किलो के पेड़े से उल्टे तवे पर 2 से 4 फीट की मोनफ्रिट रोटी बनाई जाती है, जिसे माना रोटी कहा जाता है। इस बड़े साइज की रोटी को कैसे तैयार किया जाता है, इस हवाले से जानते हैं नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। कोटेदू देहातू में महर कारीगर आधे किलो के आटे के पेड़ से 2 से 4 फुट की रोटी बड़ी महारत से तैयार करते हैं। देहातू में उल्टा तवा, जिसे तबाखी कहा जाता है, इस साइज में मुनफरिद बड़ी रोटी बनाई जाती है। देसी गंदम से बनाई जाने वाली 2 से 3 फुट की इस रोटी को माना रोटी या फुलका कहा जाता है, जिसे महर कारीगर मखसूस अंदाज में आटे के पेड़ को साइड से गोल और बारीक करते हुए हाथ पर थपक कर हवा में घुमाते हुए तवे पर डालते हैं। उल्टा तवा तबाखी पर एक वक्त में 3 रोटियां बनाई जा सकती हैं। मान 800 रुपये मिलते, 5 मान दी मारे पका गिनने दो बंदे। अच्छा, ये कितना कितना वेने वे प्रोग्राम करो? पूरे पाकिस्तान है जितना को सडवा गिने, कोटा दो सिनामा मुल्तान मुजफ्फरगढ़। मशीन से ज्यादा तेज काम करने वाले ये कारीगर 1 घंटे में 300 माना रोटी तैयार करते हैं।